वीडियो में मैं आप लोगों के लिए डिवाइड के एक ऐसे ट्रिक को लेके आई हूँ जिसके हेल्प से आप विदाउट डिवाइड, जी हाँ दोस्तों, आप विदाउट डिवाइड अपने आंसर को ला सकते हैं। सो गाइज, अगर आप इस ट्रिक को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियोस के अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए गाइज, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज, इस वीडियो में मैं 3 टाइप के क्वेश्चन को बताऊंगी और ये जो है सबसे पहला टाइप है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन हैं हमारे और यहाँ पे नॉमिनेटर है एंड डिनोमिनेटर है, ये एक फ्रैक्शन में है क्वेश्चन। सो गाइज, अगर हमें इसके डिवाइड को पता करना है, इसके आंसर को पता करना है, तो हम कैसे करेंगे? जनरली हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाले रूल को फॉलो करके हम इसके आंसर को लाते हैं। बट इसमें हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसे 2 से इंटू करेंगे। जब हम इसे 2 से इंटू करेंगे तो 3 2 जो हमारा हो जाएगा 6, 7 2 जा 14 का 4, हाथ में 1 कैरी रह गया एंड 2 4 जा 8 एंड 1 जो कैरी था वो 9। और पीछे से हम यहाँ से लास्ट से हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे और ये हो जाएगा हमारा डिवाइड का आंसर। मीन्स 473 को हम अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 94.6 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, निकालिए कैलकुलेटर एंड कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा। बहुत इजी था। इसमें सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि हमें 2 से इंटू करना है एंड जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट से एक डिजिट के बाद हमें क्या करना है, पॉइंट को पुट करना है एंड वो हो जाएगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, आइए चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी तरह का है। मैं आप लोगों को ये और क्वेश्चन इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों के जो डाउट्स है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो सके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2 7 जा हो जाएगा 14 का 4 एंड हाथ में 1 कैरी रह गया, 2 6 जा 12 एंड 1 13 हो गया हमारा, 3 फिर से हमारा कैरी रह गया एंड 2 4 जा 8 एंड 1 जो था ये हमारा प्लस हो जाएगा 9 एंड 2 2 जा हो जाएगा हमारा 4, ये हमने लिख दिया 4। और अब हम क्या करेंगे, लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट को लगा देंगे और ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके गाइस, एक और एग्जांपल है हमारा, हम इसे भी देख लेते हैं। तो इसे भी हम क्या करेंगे, सेम रूल को अप्लाई करेंगे, इसमें भी तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे भी। तो जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 2 से 8 को मल्टीप्लाई मैंने किया तो 2 से 8 को मल्टीप्लाई करने पे मेरा आ गया 16, 16 का 1 यहाँ पे कैरी रह गया, 2 1 जा 2 एंड प्लस 1 कितना हो गया हमारा 3 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे एंड 2 2 जा हो गया 4 तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड 2 6 जा कितना हो गया हमारा 12 हो गया तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। और हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या करेंगे, इस पीछे से हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर देंगे, यहाँ पे 6 के बाद हम पॉइंट को पुट कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके गाइस, देखा आपने ये कितना इजी था। आप इसे यूज करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, आपको वो पुराने डिवाइड वाले रूल को यूज नहीं करना पड़ेगा। और तो और आप इस तरीके से अपने कैलकुलेशन को फास्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट टाइप के तरफ ताकि आपको ये डिवाइड के ट्रिक्स है वो और बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। गाइस, ये है हमारा नेक्स्ट टाइप। इसमें हम उन सारे नंबर को देखेंगे जो कि 25 से डिवाइड होता है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन सारे नंबर को 25 से डिवाइड करना। अब हमें क्या है, हमें तो 25 का टेबल याद नहीं है, तो क्या करेंगे, हम एग्जाम में छोड़ के आ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इसके आंसर को, क्योंकि हमें तो डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आपको बिना डिवाइड के इसके आंसर को ला के पता बताऊंगी आपको। सो गाइस, हमें क्या करना है, इसमें हमें सिंपली इसमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है।
जी हाँ दोस्तों, हमें सिंपली इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड इसके आंसर को फाइंड करना है। तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 4 4 जा हो गया हमारा 16, 16 का हमने 6 लिख दिया, 1 हो गया हमारा कैरी, एंड 4 3 जा 12 एंड प्लस 1 कितना हो गया 13 का 3, हाथ में 1 रह गया तो हम यहाँ पे 1 कैरी लिख देंगे, एंड 4 3 जा हमारा फिर से हो गया 12 एंड प्लस 1 13, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 13। एंड इसमें अब हम क्या करेंगे कि लास्ट से 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। अगर गाइस आप चेक करना चाहते हैं तो आप प्लीज कैलकुलेटर में जाके चेक कीजिए, आपका सेम ही आंसर आएगा। आइए इसके आगे के एग्जाम्पल को देखते हैं। तो आगे के एग्जाम्पल में भी हमें क्या करना है, सिंपली यही रूल को फॉलो करना है, हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आता है। 4 2 हो गया हमारा 8, तो हमने लिख दिया 8। 4 3 हो गया हमारा 12, तो 12 का लिख दिया हमने 2, एंड 1 हमारा रह गया कैरी। 4 6 हमारा कितना हो गया, 4 6 24 हो गया, एंड प्लस 1 25, 25 का 5 लिख दिया हमने, एंड 2 रह गया हमारा कैरी। अब हम क्या करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 हो गया हमारा 16, एंड 16 एंड प्लस 2 कितना हो गया हमारा 18 हो गया, तो हम यहाँ पे 18 लिख देंगे। अब गाइज हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे कि लास्ट से 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे पॉइंट को पुट कर रहे हैं और ये जो हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी हम इसी को फॉलो करेंगे फिर से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा, एंड 4 8 जा कितना हो गया हमारा, 4 8 जा हो गया हमारा 32, 32 का 2 लिख दिया हमने, 3 हमारा रह गया यहाँ पे कैरी, एंड 4 6 जा हमारा कितना हो गया, 4 6 जा 24, एंड प्लस 3 हमारा हो गया 27, एंड 2 हमारे यहाँ पे कैरी रह गया, 4 4 जा 16, एंड प्लस 2 18 का 8 हम यहाँ पे 8 लिख देंगे, एंड 1 कैरी रह गया, 4 2 जा 8 एंड प्लस 1 कितना हो गया 9। एंड अब हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट को पुट कर देंगे, तो हमने पॉइंट को पुट कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। सो गाइज ये बहुत इजी था, ये जो ट्रिक था वो उन सारे नंबर्स के लिए था जिसे हमें 25 से डिवाइड करना है, ये उन सारे नंबर में लागू होगा। चलते हैं गाइज अब अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है गाइस, क्योंकि इसमें जो डिजिट है डिनोमिनेटर का वो बड़ा होता जा रहा है, बिगर होता जा रहा है, तो इसमें आपको बहुत केयरफुली देखने की ज़रूरत है। इसमें भी हम क्या करेंगे, डिवाइड तो नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मल्टीप्लाई करके इसके आंसर को लाएंगे। तो आइए देखते हैं हम किस तरह से मल्टीप्लाई करके इसके भी आंसर को लाते हैं। तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है। जी हाँ दोस्तों, हमें क्या करना है, सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते 8 से, 8 5 जा हमारा हो गया 40, 40 का हमने लिख दिया 0, एंड 4 जो हो गया वो हमारा कैरी रह गया, 8 7 जा हो गया हमारा 56, एंड प्लस 4 कितना हो गया 60, 60 का हो गया हमारा 0, एंड 6 हमारा यहाँ पे रह गया कैरी, 8 8 जा कितना हो गया हमारा 64, एंड प्लस 6 कितना हो गया 70 हो गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 70। एंड सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है कि लास्ट से पीछे से हमें क्या करना है, 3 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर देंगे, एंड जो हमारा आंसर आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद के 0 वाले की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 7 आ जाएगा, और ये इस फ्रैक्शन का आंसर हो जाएगा। तो देखा गाइज आपने, ये कितना इजी था, आपको सिंपली 8 से मल्टीप्लाई करना था। ये उन सारे नंबर के लिए यूजफुल होगा जिसे हम 125 से डिवाइड देना चाहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल को भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। 8 5 जो हमारा कितना हो गया 40 का 0, एंड 4 हमारा कैरी रह गया, 8 7 जो कितना हो गया हमारा 56, एंड 56 एंड 4 कितना हो गया हमारा 60, 60 का 0, एंड 6 हमारा रह गया कैरी में, 8 2 जा हमारा कितना हो गया 16, एंड प्लस 6 कितना हो गया हमारा 22, 22 का हमने 2 लिखा, एंड 2 हमारा कैरी रह गया, एंड 8 1 जा कितना हो गया हमारा 8, एंड प्लस 2 यहाँ जो हमारा कैरी था तो हमारा हो गया 8 एंड प्लस 2
यहाँ पे लिख देंगे 10 एंड सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट करेंगे एंड ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि आप लोगों को ये और अच्छे से क्लियर हो पाए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड फाइंड करेंगे कि आंसर क्या आता है। तो 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, फिर से आ गया हमारा 0 एंड 8 5 जा 40 का 0 एंड 4 हो गया हमारा कैरी। 8 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा और ये 4 जो है हम यहाँ पे 4 लिख देंगे एंड 8 1 जा हमारा हो जाएगा 8, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 8। ओके एंड सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे हम लास्ट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पे 3 डिजिट के बाद पॉइंट को पुट कर दे रहे हैं और हमारा आंसर आ गया 84। सो गाइज आपने देखा कि ये कितना इजी था। इस वीडियो में मैंने 3 ट्रिक को बताया टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 एंड उसमें हमने डिफरेंट टाइप के कैलकुलेशन को देखा एंड विदाउट डिवाइड हमने आंसर को लाया। सो गाइज ये सारे जो थे वो बहुत ही इजीली एंड फास्ट कैलकुलेशन वाले ट्रिक थे। अगर आप इस टाइप के और भी वीडियोस को चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।